नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। मुंबई और एमपी आमने सामने हैं, लेकिन मुंबई के एक बल्लेबाज की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की, लगातार शतक लगाए। और खबर अब ये भी है कि वो बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। डॉन ब्रैडमैन बड़े खिलाड़ी हैं, विश्व क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का बहुत बड़ा नाम है। तो अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर घरेलू क्रिकेट में, भारतीय घरेलू क्रिकेट में उस खिलाड़ी के नाम बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। और उस खिलाड़ी का नाम है सरफराज खान। सरफराज खान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फाइनल मुकाबले में एमपी के खिलाफ सरफराज खान ने शतक लगाया। और अगर बात मैं रणजी ट्रॉफी 2022 की करूं तो सरफराज खान ने 4 शतक लगाए हैं, 2 अर्धशतक लगाए हैं, 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस लिहाज से सरफराज खान की जो फॉर्म है वो बड़ी कमाल की है। अब सरफराज खान ने अपने घरेलू क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए। तो अगर 2000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ियों का हम जिक्र करें घरेलू क्रिकेट में, तो सबसे ज्यादा जो औसत है बल्लेबाजी का वो डॉन ब्रैडमैन के नाम है। डॉन ब्रैडमैन ने 95 से ज्यादा की औसत से घरेलू क्रिकेट में रन बनाए। बात अगर हम सरफराज की करें तो सरफराज खान 83 से ज्यादा की औसत से रन बना रहे हैं। तो सरफराज अगर घरेलू क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में सबसे ज्यादा औसत घरेलू क्रिकेट में रन बनाने में डॉन ब्रैडमैन का है, और दूसरे नंबर पर उनके ठीक पीछे सरफराज खान है। 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के आंकड़े पर ये दो खिलाड़ी इस वक्त टॉप 1 और नंबर 2 पर बने हुए हैं। तो अगर सरफराज खान लगातार इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वैसे आपको यहां पर यह भी बता दें कि सरफराज खान के नाम भारतीय घरेलू क्रिकेट में भी रिकॉर्ड जुड़ गया है। सरफराज खान 2 या 2 से ज्यादा सीजन में 900 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस सूची में अजय शर्मा और वसीम जाफर का नाम शामिल है, और तीसरे खिलाड़ी सरफराज खान बन गए हैं जिन्होंने 2 सीजन में 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। 2019-2020 के सीजन में बनाए थे, और अब 21-22 के सीजन में सरफराज खान ने कारनामा किया है। तो आपका सरफराज खान के इस रिकॉर्ड पर, सरफराज खान की बल्लेबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।